हेलो दोस्तों, वेलकम टू अतरंगी यूट्यूबर। तो चलिए आज हम बात करेंगे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की मेंस की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, आज ही डेट आउट हुई है। चलिए आज मैं बात करूँगा नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर मेंस की एग्ज़ाम डेट के बारे में, एंड साथ ही साथ मैं बात करूँगा SBI क्लर्क प्री के रिज़ल्ट के बारे में और RBI मेंस का डेट कब तक आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम डेट के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर मेंस की डेट डिक्लेयर हुई है 24th of September। एंड आप अगर जानना चाहें कि नाबार्ड की प्री की एग्ज़ाम कब हुई थी, तो चलिए मैं आपको नाबार्ड के नोटिफिकेशन पर ले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर की नोटिफिकेशन। नाबार्ड की प्री की एग्ज़ाम हुई थी 25th February 2020 को, ओके। एंड इस बार डेट डिक्लेयर हुई है 24th March। इन्होंने बोला था कि 1st week of September हम एग्ज़ाम रखेंगे, लेकिन इन्होंने 24th March रखी है। नो इशू, एटलीस्ट एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, अब आप पढ़ सकते हैं। आपके पास अभी टारगेट है कि हाँ, मुझे 24th September को नाबार्ड मेंस का एग्ज़ाम देना है, और डायरेक्ट मेंस से अभी प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, ये ध्यान रखिए। लगे रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, अभी आपके पास हार्डली एक महीना बचा है, तो कंटिन्यू लगे रहिए। एंड रही बात SBI क्लर्क प्री के रिज़ल्ट के बारे में और RBI मेंस एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे लगता है SBI क्लर्क प्री का रिज़ल्ट अगस्त एंड तक, यानी कि 31st August तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। एंड RBI मेंस की एग्ज़ाम भी सितंबर या अक्टूबर स्टार्टिंग में हो जाएगी। ये मान के चलिए कि सितंबर के स्टार्टिंग से आपकी एग्ज़ाम कंटिन्यूसली चालू रहेगी टिल IBPS क्लर्क मेंस, जो जैन एंड तक होती है। ये जान लीजिए कि अभी आने वाले जो 4 to 5 months है आपके, वो पूरा टाइम आपको है ना एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन चालू रखिए, बिल्कुल गैप नहीं आने दीजिए, और हार्डवर्क से पढ़ते रहिए, सफलता आपके कदमों में ज़रूर आएगी। थैंक यू।